प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेमेस्टर प्रथम के क्रमचय संचय इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे इंजीनियरिंग में काम आता है। इसमें हम आज क्रमचय संचय और फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में हम द्विपद प्रमेय के बारे में बातचीत करेंगे। क्रमचय संचय बेसिकली क्या होता है? बेसिकली काउंटिंग का नियम है। क्रमचय संचय बेसिकली काउंटिंग का नियम है। इससे पूर्व हम कुछ चीज़ें जो हमें आवश्यक है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम गुणित की। क्रम गुणित क्या होता है? तो क्रम गुणित n का मतलब है क्रम गुणित इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n से हमारा मतलब क्या है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, इसको संकेत में लिखते हैं निम्न प्रकार से, इसके संकेत हैं या तो ऐसे n फैक्टोरियल लिखते हैं या इसको n फैक्टोरियल इस प्रकार से। ये दो संकेत हैं, दोनों में से आप कोई सा भी काम में ले सकते हो, ये n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। क्रम गुणित n का क्या मतलब होता है? क्रम गुणित n का मतलब होता है यानी फैक्टोरियल n अथवा n फैक्टोरियल, ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। प्रथम n का मतलब है एक से लेके n तक की संख्याओं का गुणनफल, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 up to n-1 इंटू एन, यानी एक से लेके एन तक जो संपूर्ण संख्याएं हैं उनके गुणनफल को हम फैक्टोरियल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल क्रम विनी में होता है, इसलिए हम इसको रिवर्स क्रम में भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि उल्टे क्रम में लिखें तो n × n-1 × n-2 और इस टाइप से आपके 3, 2, 1, ये जो चीज आई इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n। n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को हम n फैक्टोरियल से व्यक्त करते हैं। ये इसको अपन ने बक्से में बंद किया और इसमें उंगली कर दी, यानी हमें याद रखना। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपसे कहता हूं 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5, इसका मतलब है एक से लेके 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, 1, 2, 3 up to 5, या 5 से स्टार्ट करेंगे तो बंद तक जाना है, 5, 4, 3, 2, 1, ये गुणा करने पर आती है 120, गुणा करने पर आती है 120, यानी पहली n प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को फैक्टोरियल n से व्यक्त करते हैं। जैसे हमको कहा कि फैक्टोरियल 4 को खोलिए, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 से स्टार्ट करो, 4, 3, 2, 1 तक, 4 × 12 और 12 × 24, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। इस प्रकार से फैक्टोरियल को खोला जाता है। अब इसको खोलने की पुनरावर्ती सूत्र क्या है? जैसे हम 1 फैक्टोरियल को लिखते हैं 1 × 2 को लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 को लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। तो अगर आप यहां पर देखो तो 1, 2, 3 up to n-1 तक ये जो संख्या है इनको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल बराबर होता है n × n-1, यानी फैक्टोरियल में से किसी संख्या n को बाहर निकालने पर अंदर की संख्या किससे कम हो जाती है? n से कम हो जाती है। जैसे बतौर एग्जांपल इस सूत्र को बोलते हैं पुनरावृत्ति सूत्र। जैसे मैंने आपसे कहा 8 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए, तो 8 फैक्टोरियल का मैं इस 8 को बाहर निकाल लूंगा तो अंदर की संख्या 1 से कम हो जाएगी, यानी 8 × 7। अब इसमें 7 में, अब 7 को बाहर निकालेंगे अपन
ये अंदर की संख्या हो जाएगी 7 - 1 = 6। अब इस 6 को भी अगर अपन बाहर निकालेंगे तो ये अंदर की संख्या हो जाएगी 5। इस प्रकार से इस फार्मूले को अपन रिपीट करके फैक्टोरियल को खोल सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति सूत्र और रेफरेंस फार्मूला। तो क्या संबंध होता है, फैक्टोरियल एन क्या है? फैक्टोरियल एन है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1, 2, 3, 4 up to n-1। अगर हम इसको रिवर्स क्रम में लिखें तो रिवर्स क्रम में क्या होगा, n n-1, ये बढ़ते हुए क्रम में है और ये घटते हुए क्रम में। चूंकि गुणाओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, घटते बढ़ते क्रम का गुणनफल सेम होता है, तो दोनों को ही हम n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 1 से 5 तक की संख्याओं का गुणनफल, तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 यानी कि 120। उल्टे क्रम में लिखोगे तब भी आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, सेम। और फैक्टोरियल एन का रेफरेंस फार्मूला क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है एन फैक्टोरियल बराबर n × n-1 फैक्टोरियल, n को जब बाहर निकालेंगे तो वो इंटू हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल से। और एक और महत्वपूर्ण है, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है हमेशा 1। फैक्टोरियल जीरो का मान होता है 1। जो फैक्टोरियल जीरो था उसकी कितनी वैल्यू होती है, वही न्यूटन में पूछते हैं जीरो फैक्टोरियल का मान क्या होगा, तो जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1, और 1 फैक्टोरियल का मान भी 1 ही होता है। यानी 1 फैक्टोरियल लिखो चाहे 0 फैक्टोरियल लिखो, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। 1 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 1, और 0 फैक्टोरियल का मान भी कितना होता है 0। अब ये क्रमचय संचय के पूर्व हमारे को क्रम गुणित का ज्ञान होना आवश्यक था, इसलिए मैंने इस क्रम गुणित की बात करी। अब बात होती है क्रमचय क्या है। क्रमचय का मतलब है हमें कुछ वस्तुएं दी जाएंगी, उनमें से कुछ वस्तुओं को लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से हम उसको किस प्रकार से जमा सकते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं क्रमचय। उदाहरण के तौर पर हम ये कहते हैं, मान लीजिए क्रमचय, मान लीजिए हमारे पास ये 3 होटल है, होटल ए बी सी, क्या है ये होटल ए बी सी, और आदमी है हमारे पास 2, ये हमारे पास 2 आदमी है। ये 2 आदमी है, तो अब प्रश्न ये है कि n होटल यानी 3 होटल में 2 आदमियों को कितने प्रकार से रोका जा सकता है, या कितने प्रकार से वो रुक सकते हैं जबकि प्रत्येक व्यक्ति एक ही होटल में है। तो इसको अपन इस प्रकार से देखें कि मान लीजिए एक व्यक्ति, ये एक 1 है और दूसरा व्यक्ति 2 है, तो पहला व्यक्ति हमारे पास किस कितनी प्रकार से रह सकता है, होटल ए में भी रह सकता है, बी में भी रह सकता है और सी में भी। तो पहले व्यक्ति के द्वारा चयन करने की जो प्रक्रिया है वो कितनी होगी, प्रथम व्यक्ति होटल का चयन कितने प्रकार से कर सकता है, 3 प्रकार से कर सकता है। अब वो निश्चित तौर पर 3 में से कोई एक होटल चयन कर लेगा। मान लीजिए उसने होटल कर ली बी, तो फिर हमारे पास दूसरे व्यक्ति के लिए कितनी चॉइस बचेगी, 2 ही चॉइस बचेगी, यानी कि दूसरा व्यक्ति वो कितने प्रकार से चयन कर सकता है, 2। तो कुल मिला के कितने प्रकार से चयन कर सकता है, कुल व्यक्ति होती है 3 × 2 = 6। कि पहले व्यक्ति ने 3 प्रकार से चयन किया, दूसरे व्यक्ति ने 2 प्रकार से चयन किया, तो कुल मिला के वो कितने प्रकार से रुक सकते हैं होटल में, 6 डिफरेंट वे से रुक सकते हैं। इसको यूं भी समझ सकते हैं, जैसे होटल पहले व्यक्ति ने ली, ये प्रथम व्यक्ति है इसलिए ये होटल चूज करी,
अगर ये ए होटल चूज करता है तो बी के पास दो ही चॉइस रहेगी, बी या सी। तो सेकंड व्यक्ति क्या चूज करेगा, बी या सी। तो हमारे पास कितने विन्यास हो गए, दो। मान लीजिए पहला व्यक्ति बी होटल को चॉइस करता है तो दूसरे व्यक्ति के पास क्या रहेगी, या तो ए में जाएगा या सी में जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास पहला व्यक्ति तीसरी होटल को चयन करता है तो व्यक्ति ए के पास या तो रहेगी होटल ए या रहेगी होटल बी। इस प्रकार से दोनों भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे ए बी, ए सी, बी ए, बी सी, सी ए, सी बी, टोटल कितने तरीके हो गए, छह। तो यानी वे दो व्यक्ति भिन्न भिन्न होटलों में छह प्रकार से अपने पास रुक सकते हैं। ये जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हम नाम देते हैं क्रमचय, कि दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सबको लेकर बनाए गए विन्यासों की संख्या कितनी होगी, उन्हें कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकेगा, इन गणना को करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है परमुटेशन का। परमुटेशन का मतलब क्रमचय, क्रमचय का मतलब अरेंजमेंट, कितने भिन्न भिन्न प्रकार से वस्तुओं को जमाया जा सकता है। तो इसका जो जनरलाइज फार्मूला होता है वो ये रहता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की क्रमचयों की संख्या। तो अपन इसकी डेफिनेशन लेते हैं और फिर कुछ एग्जांपल अपन इससे लेंगे, उससे आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। n विभिन्न वस्तुओं, यानी डिफरेंट वस्तुएं दी हुई है, n विभिन्न वस्तुओं क्रमचय क्या है, कि n विभिन्न वस्तुओं, n विभिन्न में से आप वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या सूत्र एनआर या एनपीआर द्वारा दी जाती है। यहां पे वर्ड पी का मतलब है परमुटेशन, एन कुल वस्तुओं की संख्या तथा आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां आर का मान जीरो से बड़ा तथा एन से छोटा अथवा बराबर है। जहां आर का मान जीरो से बड़ा अथवा एन से छोटा है। तो एक और इंपॉर्टेंट है, मान लो अगर आर की वैल्यू एन के बराबर हो जाए, इफ आर इज इक्वल टू एन, यानी सभी वस्तुओं को हमको लेना है एक साथ, तो क्या हो जाएगा, एन पी एन। इसका मतलब है एन वस्तुएं दी गई है और उसमें से सभी को लेकर, सभी वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये कहां से आया, डेफिनेशन से, ये हेड माइनस टेल, ये हेड और नीचे हेड माइनस टेल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एन को, और एन फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, एन फैक्टोरियल ही होती है, और ये घट गया कितना हो गया, जीरो फैक्टोरियल। इसलिए जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है, वन, इसलिए एन फैक्टोरियल। तो एन पी एन अर्थात जितनी वस्तुएं दी गई है उन सभी को लेना है तो कुल क्रमचयों की संख्या बराबर होती है फैक्टोरियल एन के। आ गया समझ में, तो एक तो ये सूत्र हमारे को याद रखना है कि एन पी एन का मान कितना होता है, एन पी एन का मान होता है एन फैक्टोरियल, अर्थात सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या। एनपीआर का क्या मतलब है, एनपीआर का मतलब है एन वस्तुओं में दी है टोटल डिफरेंट, उनमें से आर वस्तुओं का चयन करना है और उनको लेकर बनाए गए क्रमचयों की
संख्या वो दी जाती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस हाफ फैक्टोरियल। क्लियर है? तो अपन एक बार वापस प्रूव कर लें कि एन फैक्टोरियल बराबर होता है एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन बी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन कहा गया है कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपन करते हैं और उनका आकलन करते हैं कि वो क्या है। पहले बच्चों अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड, ए पी टू का मान ज्ञात कीजिए, ए पी टू का मान ज्ञात करो। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी अपन देखते हैं, जो ऊपर लिखी होती है वो एन की वैल्यू है और नीचे जो वैल्यू लिखी है वो आर की। एन का मान एक और आर का मान टू, इसलिए ये हो जाएगा एन पी आर, सूत्र हमारा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां पर मान पुट करो तो एक पी टू बराबर एन फैक्टोरियल यानी एट फैक्टोरियल अपॉन एट माइनस टू इज इक्वल टू एट फैक्टोरियल अपॉन आठ में से दो गया तो छह। अब हमें इसको खोलना है, तो बड़े फैक्टोरियल में से निकालते हैं तब तक जब तक कि छोटा नहीं आ जाता। कहने का क्या मतलब है, हम पुनरावर्ती सूत्र को प्रयोग करेंगे, तो मैंने अंदर से आठ बाहर निकाला तो आठ तो अंदर एक से कम हो गया सात अपॉन छह फैक्टोरियल, अभी भी छह फैक्टोरियल नहीं आया, तो मैं वापस एक और बार कॉमन निकालूंगा, एट इंटू सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सिक्स फैक्टोरियल। अब चूंकि ऊपर और नीचे दोनों में क्या आ गया मेरे पास सिक्स फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो अब हम क्या करेंगे सिक्स फैक्टोरियल से सिक्स फैक्टोरियल को क्या कर देंगे काट देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना बचा टोटल, एट पी टू की वैल्यू हो गई एट पी टू इज इक्वल टू एट इंटू सेवन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, एट इंटू सेवन इंटू एट और इंटू सेवन इज इक्वल टू फिफ्टी सिक्स, तो ये आ गया एट पी टू का मान। फॉर एग्जाम्पल और एक और अपन लेते हैं, वो कहता है कि आठ या अपन ले लेते संख्या थोड़ी कम ले लेते हैं कि पांच कुर्सी यों पर चार आदमियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। आठ कुर्सियों पे हमें चार आदमियों को व्यवस्थित करना डिफरेंट डिफरेंट, तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर पांच, और जो व्यवस्थित करने हैं यानी व्यक्ति वो भी चार, तो चूंकि उनको व्यवस्था करनी है अरेंजमेंट करनी है यहां पर परमुटेशन लगेगा, तो परमुटेशन होगा फॉर्मूला एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी फाइव पी फोर इज इक्वल टू फाइव पी फोर इज इक्वल टू फाइव फैक्टोरियल अपॉन फाइव माइनस फोर।
और अब हम जानते हैं कि 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 में से 1 गया, 4 गया 1, और 5 फैक्टोरियल है 5, 4, 3, 2, 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। इसलिए व्यक्तियों को बिठाए गए कुल व्यक्तियों को बिठाने के तरीके हमारे पास हो जाएंगे 120। अर्थात 5 कुर्सियों पर 4 व्यक्तियों को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, 120 भिन्न भिन्न तरीकों से बिठा सकते हैं। ये कुल हमारे पास क्रमशों की संख्या है। और देखें अपन एग्जांपल, मान लो हमें कहता है कि NP2 की वैल्यू है 90। इसकी वैल्यू कितनी है 90, तो N का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करें, N ज्ञात कीजिए, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं NP2, इसको लिख सकते हैं 10 × 9, तो NP2 बराबर हो गया 10P2। 90 को क्या लिख सकते हैं 10P2। अब तुलना कर लें अपन, तो 2 से 2 बराबर है, तो N से क्या बराबर होगा, N बराबर कितना हो गया 10। इस प्रकार से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इस प्रकार से अगर हमें ये किया जाए तो ये भी निकाल सकते हैं, और इस प्रकार से रिवर्स भी निकाल सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए 11P3 का मान ज्ञात कीजिए, तो देखो इसको सूत्र अगर मिलते हैं आएंगे, जब बार बार सूत्र नहीं लगाना, अपन एक शॉर्टकट मेथड लेते हैं। इसको खोलने के लिए शॉर्टकट मेथड क्या है, 11 से स्टार्ट करो, और चूंकि नीचे 3 है, इस प्रकार 3 फैक्टर लेने हैं, 11, उससे कम 10, उससे कम 9, यानी एक एक कम करते चले जाएंगे, और टोटल फैक्टरों की संख्या कितनी होगी 11 के समेत 3। तो 11P3 बराबर है 11 × 10 × 9, 1199, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो 990। इस प्रकार से 11P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ये न्यू टाइप के हिसाब से अपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं बतौर एग्जांपल, और एक और ले लेते हैं अपन 6P3 का मान ज्ञात करो, तो अब जैसे वहां करा अपन ने कि 6 से स्टार्ट करेंगे, ये 6 से स्टार्ट करा, एक एक कम करते चले जाओ, और ये 4 तक, तो 6 × 4 बन गए 20, और 6 × 2 तो आप 120 इसकी वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमें कुछ जो प्रश्न हैं वो उनको दिए जाएंगे, हम उनको क्या कर सकते हैं सूत्र की मदद से, एनपीआर एनसीआर की मदद से अपन क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर अगले वीडियो लेक्चर में और कुछ चीजों के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।